हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जो सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाइयों में बन जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 की जोड़ी में फंदे लेने हैं, जैसे कि 2, 4, 6। तो बनाने के लिए जितने फंदे हमें चाहिए जोड़े से हमें फंदे लेने हैं, और बॉर्डर आपको जो भी पसंद हो वो आप बना लीजिए। मैं यहाँ पर डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें उल्टा उल्टा करके सिंपल बॉर्डर इसमें बना लिया है, और सीधी साइड से डिज़ाइन बनेगा, उल्टी साइड से ये ऐसा दिखेगा। सिर्फ 2 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये डिज़ाइन बनेगा दोनों सिलाइयों में। तो इसे बनाने के लिए मैंने 34 फंदे लिए हैं, और अभी जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैंने 20 फंदे लिए। तो आइए देखें इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हैं और 4 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाल दी हैं। अब इसमें हम स्टार्ट कर देंगे डिज़ाइन बनाना। बॉर्डर आप बना लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। मोस्टली हम क्या करते हैं कि पहले फंदे को हम बिना बुना उतार लेते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पहले फंदे को भी बुन लेना है। तो उससे होगा क्या कि हमारे कॉर्नर में बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाएगी। तो पहला फंदा हमने बुन लिया। अब देखिएगा हमें क्या करना है, धागे को इस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेके और 2 फंदों को जैसे हमें एक बार ऐसे बनाना है, ये देखिएगा, और फिर धागे को हमें ऐसे करना है, और फिर से इसके दोनों फंदों के बीच में डालना है, और फिर हमें ऐसे निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक दो बार करेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर से देखिएगा, ऐसे करना है, दोनों फंदों को एक बनाने के लिए पहले ऐसे आगे से निकालना है, फिर से ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और फिर ऐसे करके बाहर निकालना है इस तरह से। फिर से देखिएगा इस तरह से, अब ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इस तरह से। पहली रो में ऐसे ही करते जाना है, 2-2 फंदों को हमें इसी तरीके से बनाना है। पहले हमें धागे को इस तरह से करना है, फिर दोनों फंदों को साथ में बुनना है, लेकिन इस तरह से। सिंपल जैसे बुनते हैं वैसे। फिर जब ये फंदा हमें चढ़ाना है तो ये इस तरह से चढ़ाना है, और जब निकालना है तो सिंपल ऐसे बुनना है। मोटा मोटी बोलूं तो एक बार ऐसे, 2 फंदों को एक साथ लिया ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। फिर से देखिएगा इस तरह से, 2 फंदों को एक बनाते हुए इस तरह से, और फिर ऐसे, फिर 2 को 1 बनाते हुए फिर ऐसे। ये देखिएगा, एक बार ऐसे लेना है, 2 को 1 बनाते हुए इस तरह से निकालना है, फिर इस तरह से लेना है, इस तरह से, और फिर इस तरह से।
एक बार धागे को इस तरह से, एक बार धागे को इस तरह से, जिस तरह भी आपको समझ में आए उस तरह से आप देख लीजिए। इसीलिए मैं बहुत स्लो करके भी दिखा रही हूँ और मैंने फंदे भी इसमें कम डाले हैं। इस तरह से लास्ट का फंदा सिंपल बुनना है। अब उल्टी सिलाई में देखिएगा क्या करना है। ये जो हमारे फंदे हैं, ये जो गैप बीच बीच में आ रखा है, ये देखिएगा, इसका एक फंदा इधर वाला स्टार्ट वाला और इसका लास्ट वाला, इन दोनों को एक बनाने के लिए, एक साथ बनाने के लिए अब देखिए हमें क्या करना है। पहले फंदे को बुनना है, ये इधर इसके साथ आना है, इसलिए इन दोनों को एक बनाना है। देखिएगा इसका इधर वाले का लास्ट और इधर वाले का स्टार्ट वाला, स्टार्टिंग वाला, दोनों को एक साथ लेना है। दो का एक बनाते हुए चले जाना है। बस यही दो सिलाइयां हमें रिपीट करते जाना है। ये देखिएगा अब फिर से हम सीधी साइड आ गए। इसका लास्ट वाला, इधर वाले का लास्ट वाला और इधर वाले का फर्स्ट वाला, इन दोनों को हमें एक साथ लेना है। अब बचे ये दो फंदे, पहले वाले को बुनना है सिंपल, दूसरे वाले को भी बुनना है सिंपल। अब देखिएगा ये दोनों एक बनाने हैं, तो फिर क्या करना है, हमें धागे को इस तरीके से चढ़ाना है, दोनों को एक इस तरीके से एक साथ लेते हुए ऐसे लेना है, धागे को ऐसे घुमाना है, फिर दोनों को एक साथ ले हुए ऐसे लेना है। फिर से देखिएगा ऐसे आगे की तरफ, धागा ऐसे पीछे की तरफ, फिर ऐसे आगे की तरफ,
धागा पीछे की तरफ, धागा आगे की तरफ, फिर धागा ऐसे पीछे की तरफ, फिर धागा आगे की तरफ, फिर ऐसे धागा पीछे की तरफ और धागा आगे की तरफ। आपको जैसे भी समझ में आए आप उस तरीके से लीजिएगा। धागा पीछे की तरफ, दोनों को एक बनाते हुए धागा आगे की तरफ, धागा पीछे की तरफ, एक बनाते हुए धागा आगे की तरफ, फिर से धागा पीछे की तरफ, दोनों को एक बनाते हुए धागा आगे की तरफ, फिर से धागा पीछे की तरफ, दोनों को एक बनाते हुए धागा आगे की तरफ, अगेन लास्ट के फंदे सिंपल बनाने हैं। उल्टी सिलाई में पहला फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिएगा इन दोनों को एक बनाना है और फिर इन दोनों को एक बनाना है, तो इस फंदे को भी सिंपल बनाना है। दो फंदों को सिंपल बनाना है, दो का एक, दो का एक, दो का एक, इस तरह से बनाते चले जाना है। बार बार यही दो सिलाइयाँ रिपीट होंगी। एक दो बार बनाएंगे तो फिर बहुत इजी है बनाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा पा रही हूँ, और अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिएगा इसी तरह से बस ये डिज़ाइन जो है वो रिपीट होता रहेगा, तो बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ये देखिए आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।